हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। मुझे पता है कि व्लॉग्स नहीं आए थे, जिसके पीछे रीज़न है जो कि पर्सनल है। मतलब वो बताने जैसा नहीं है व्लॉग में, तो ठीक है उसको साइड में रखते हैं। और जैसा कि आप लोगों को तो टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस लिए है, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो किस लिए शूट कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफिंग कह लीजिए, और एक छोटा सा ट्रेलर है, मतलब मैंने जो अभी ट्रिप किया है उसका। तो जो ये ट्रिप है वो है बीकानेर राजस्थान की, जो अभी मैं रिसेंट में करके आया हूँ। और अभी एडिट करने बैठा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने जो फर्स्ट एपिसोड शूट किया था, मतलब यहाँ से बिलासपुर से बीकानेर जाने का, वो वाली फाइल मुझे मिल नहीं रही है, या वो डिलीट हो गई है, या मैंने एडिट की थी वो सेव नहीं कर पाया हूँ मैं। एक्चुअली वो उसी ब्लॉग का, मतलब उस पर्टिकुलर एपिसोड का ये एक्सप्लेनेशन है कि उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बिलासपुर से शाम 5:30 बजे की मेरी ट्रेन थी जो कि डिले हो गई थी। वो ट्रेन आई थी लगभग 10:30 बजे, तो यहाँ से मतलब वही ट्रेन लेट हो गई थी। तो यहाँ से बिलासपुर से पहले हम कोटा गए थे और कोटा से ट्रेन चेंज करके बीकानेर गए थे। तो ऐसा कुछ ब्लॉग उसका शूट हुआ था। मतलब यहाँ से भी लेट हुए थे, वहाँ एंड टाइम पे ट्रेन पकड़ी, तो वो कंटिन्यूस 2 दिन का, मतलब अब यहाँ से तो कोटा जाने का आपको पता ही है टाइम इतना लग जाता है, मतलब जिन लोगों को पता है, और जिन्होंने नहीं पता है तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स लग ही जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। यहाँ से अपन कोटा गए, कोटा से ट्रेन चेंज करके अपन पहुँचे थे बीकानेर। और बीच में कुछ कुछ पोर्शंस हुए थे, जैसे कि अब ट्रेन में जाते हैं तो व्यूज़ होते हैं अच्छे खासे, वो सब व्लॉग में शूट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो व्लॉग डिलीट हो गया, या फिर उसकी फाइल पता नहीं कहाँ चले गई है। एडिट तो की थी मैंने, सेव हुई नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, इसलिए ये पर्टिकुलर शूट करना पड़ रहा है। तो ये वाला एपिसोड का अगर स्किप कर दे तो मेन जो जर्नी है वो बीकानेर की स्टार्ट होगी। मतलब जो आने वाले एपिसोड्स होंगे वो बीकानेर से ही डायरेक्ट स्टार्ट होंगे। तो बस यही बताने के लिए मैंने ये वाला पोर्शन शूट किया है। और एक और चीज़ मेंशन है इस टाइटल में, वो है ट्रेलर। तो अभी जो राजस्थान ट्रिप किया है मैंने, उसका एक छोटा सा ट्रेलर बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि आगे क्या क्या दिखने वाला है। तो ठीक है, आप लोग उस ट्रेलर को एंजॉय करिए, फिर आके मिलते हैं। आज की व्लॉग शुरुआत हो रही करणी माता मंदिर से। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका, ये चूहे शुरू हो गए। अब अंदर अलाउ नहीं है, कैमरा इसलिए बंद कर देंगे। यहाँ पे देख लो, ऐसी सब अंदर है। आज की शुरुआत हो रही है, रुक के आपको बताता हूँ। जूनागढ़ फोर्ट से बीकानेर के पीछे है एक छुपा हुआ खजाना, बड़ा करुनाथ मंदिर कोडम देसर। इधर ये पैलेस, ये चाय वाला है। 2 दिन से अपन यहाँ पे आ रहे हैं, अब तो चाय नहीं मिल रही है। शराबा पीते हैं, शराबा। जैसलमेर से दिख रहा है क्या? जैसलमेर से कुछ एंट्री है मंदिर की। माता रानी, जय माता रानी। बैंक अपने इंडिया का, बोरा पाकिस्तान का। तो ये म्यूजियम के अंदर कुछ तस्वीरें लगी हैं, वो खड़े हैं, और एक तोप भी है। तो यहाँ से वो ये हो रहा है, जो वो है लेजर शो। और आज हमारा लास्ट डे है राजस्थान बीकानेर में। तो अभी अपन आए हैं वैष्णो धाम। तो एंट्री करने के बाद सीधे दिखते हैं हमें गणेश जी। ये छोटी सी एक सुरंग है वहाँ से, तो ऐसा कुछ यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अपन ट्रेन में बैठ गए और बीकानेर को बाय बाय बोल दिए हैं। उसलापुर स्टेशन पहुँच गया हूँ। जर्नी का भी एंड होता है राजस्थान की ट्रिप का। वो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा ट्रेलर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के बाद ये एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग होंगे कुछ 2 दिन बाद से, या फिर 2 से 3 दिन के बाद मैं वो एपिसोड डालना शुरू कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग को लोगों तक शेयर करें, मतलब लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और बाकियों को भी दिखाएं ताकि वो भी देख सके कि बीकानेर में ऐसा क्या क्या है, मतलब राजस्थान में, मतलब और भी जगह मैंने कवर किए हैं, सिर्फ बीकानेर ही नहीं है। तो वो आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और करूंगा इसी के साथ एंड। तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, मतलब इस ब्लॉग को नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को शेयर करें।
ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस व्लॉग को देख सकें, मतलब इस व्लॉग के साथ साथ आने वाले व्लॉग्स को भी देख सकें। तो ठीक है, मिलेंगे, बने रहिएगा, आने वाले एपिसोड्स उन्हें देखिए, एंजॉय करिए। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले एपिसोड्स की खबर आप लोग तक पहुँचती रहे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय।